दोस्तों, तो आज मेरा नेक्स्ट ब्लॉग फिर से शुरू है और मैं और गोपी भाई पहुंच चुके हैं अपने डलहरा बाजार में। यहां पर देख सकते हैं कि सत्संग घर से नीचे बहुत ही तीखा मोड़ है, एक गाड़ी और आज गिर चुकी है, तो ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। आप देख सकते हैं कि कितना ही जलेबी की तरह मोड़ है, तो इस मोड़ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो आपको हम बताएँगे कैसे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है जी, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। पता है तुम जो मैं अपने इन्हें जिन्हें जमीन है कहीं जिन्हें जमीन एक्सीडेंट होते हैं कहीं जिन्हें जमीन च मोड़ है, तो उन्हें भाई ने लगा मिलाना मैं तुम जो तो भाई जी हाँ जी थोड़े सामने किन्ने का एक्सीडेंट हुई है तू? एक्सीडेंट भाई एक तो ना पहले खरा कि गड्डिया पे किन्ने बंदे तू खत्म हो चुके। अच्छा जी, उसके बाद मिट्टी लाई ढाब लाई ना। अच्छा अच्छा हुई है। अच्छा अच्छा, गड्डी बजनी तो बंदा कड्डी ने ली सकता जाई सकता। अच्छा अच्छा, पर ए रूले लाए ना जदू में दे। हां जी, ए तो मुल्ला मौत ले ली। अच्छा, गड्डी दा लगनी लगनी, पर ए गड्डी खत्म हुई है, सात गड्डियां बदियां ने बन्नी ने गईयां ने। अच्छा, एक तो रास्ता बंद करी दिया पिंडे दा। अच्छा जी, ए रास्ता ही बंद है, तू बतेरी मेहनत कीती ना ती। अच्छा जी, दुगा गड्डियां ने नुकसान है, ओ तो बड़ा भारी नुकसान, बड़ा बढ़िया जी। इंडिया च दूजी जगह लगा एक सरमौर चलंदा। अच्छा, एक भोले शंकर दी थोड़ी कृपा रहंदी है, ए भी तीन चार बारी तोड़ी था। हां जी, ए भी तीन चार बारी तोड़ी था, तीजी चौथी बारी बने मंदिर। अच्छा अच्छा, पर नवेदना पे दा कुछ हल करा, यो पटाई दिया, ये बड़ी बढ़िया मिट्टी ने गड्डी रुकी जांदी। अच्छा जी, इन्हां ने तो नुकसान है, ये तो गल सरकार ने मेहनत एक डंगे दुआना लाई थी, जेडे कुदरत ने छेड़खानी कर ली, ला चली पे गड्डी दिखी नठदे क्रॉस करदे। तीन बजे होया भाई, ठीक ठाक है, ता इंटरव्यू चलिया ना, थोड़ा कुछ गल भी दसना पौने, कोई नहीं सरकार ने भाई साड़ी तां डिमांड है इसी मोड़े दा कुछ ना कुछ हल करा। ठीक है, इहदा हल साडे हिसाब ने एक ही है, कै असा शुरू से इतू तो रेंदे न सो पता बे मिट्टी ने बचा है, एक मिट्टी ने ही बचा हो, मिट्टी ने कटते कटने का 30-35 गड्डिया बजिया, अह मकैनिकल का काम करते 30-35 गड्डिया पिछे करना 500-400 रुपया काम कराया ना, चलदिया बनिया कहना जागनिया, सत्त गड्डिया बजिया सत्तों बनी ने गई कर इन्होंने, एक गड्डिया ने तो नुकसान है उल्टा। दूजा मैं ड्राइवर भाजने भी बेनती करता भी भराई तो थोड़ा नरम हो जा करा, बंदा यह हो जाता पता क्या गल है, दूजा नुकसान ही है ड्राइवर जानने वाली का, ये तो नुकसान है, इहदा हल करा, या तां इह पुट्टी दिया, ये पता नहीं क्या हिसाब किताब है इहदा कियां होआ दा, ये कोई जरूरत नहीं इहनां दी। ठीक है, मिट्टी दूजा गल इक है, मिट्टी सट्टी होई हां, मिट्टी ने बचा दिखिया, ये झाड़ी लाए मैं झाड़ी भी रोके मत लाए ना, ये रस्ते भी खोला हाड़े, एक सांझो खतरा है भाई अगे आ झोंदे तो मोड़े पर दिखी लैंदे, कोई गड्डी आई है तो दिखी ना क्रॉस होंदे, जागने लाए ना, ये पता नहीं काली वेला सा भी बिच ही प्रेस हो जाना जाते होंगे, ये तो उल्टा, ये तो भोले शंकर का मंदिर है, थोड़े जे कृपा करी जाता पर इन्हों का हल करा। ठीक है, ए या पटाई दे चाहिए नहीं, हाँ जी, ये कोई रूल नहीं रोकते, ये तो नुकसान है उल्टा। तो हाँ देख ही सकते जी, बहुत ज़्यादा गड्डिया जी तो एक्सीडेंट होंगे ने, मिट्टिया ने एकदम गड्डी रुकी जाती, क्योंकि छोटी गड्डिया वास्ते चलो ये बेनीफिट है रुकी जाइए, पर बड़िया गड्डिया इन्होंने भी नहीं रुकाइया, तो इहदा कोई होर सलूशन किया जाए, या तो इसी मोड़े का कोई ना कोई, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मोड़ है, तो हाँ देखी सकते कि बिल्कुल जलेबी लेखा मोड़ है, जलेबी भी घट प्लेस होंगे, तो ये मोड़े बहुत ज़्यादा प्लेस न, तो ये साढ़े बुजुर्ग जी भी काफ़ी टाइम में इतने रेंदे ने, है ना जी, थोड़े सामने काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके ने इतों, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आत्मा भी इतों रेंदियाँ, तो सुनिया ना हाँ तो सुनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे बंदा चली भी नहीं सकता, हाँ क्योंकि कम से कम 100-150 बंदा मरी चुके हैं, इतने बंदे मरी चुके, थल्ले गड्डियां पौंदियां, आ मिट्टी दा साड़ी जमीन है, फ्रंट मराई ने मिट्टी सी कमे उठाई पई, उदी बचार है, हाँ बंदे तो बचे ना, मुल्ला मौत लाई थी, ये रूले दा मुल्ला मौत लाई थी भाई, इसे ना कोई गड्डी सपूती नहीं रही है, हूँ ये गड्डी बजी हो बिल्कुल गड्डी बजी ना जानी है, इन्हें ड्राइवर मालिक नुकसान है इन्हें। ठीक है जी, ठीक है जी, हल करा कोई ना कोई। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो स्पीड बैरियर है उनके पार गिरी है जाकर, और यहाँ पर ब्रेक अक्सर बहुत ज़्यादा फेल हो जाती है क्योंकि उतराई बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जब हम अब गाड़ियाँ ऊपर से बसती जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उतराई है और दो दो बस्ती साथ में आ रही हैं, और देख सकते हैं कि बहुत ही तीखा मोड़ होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, एकदम से तीखा मोड़ है, ब्रेक बहुत ही कम लगती है, ऊपर से ही बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन मोड़ों में बहुत ही, और एक गाड़ी और आ रही है ऊपर से, देख सकते हैं आप बहुत ही बड़ी गाड़ी है ये भी, किस तरह से मुड़ेगी, अक्सर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
आप देख सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक मोड़ है यहाँ पर, बहुत ही सावधानी से मोड़ काटने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट से भरा ट्रक था जो कि गिरा है, लेकिन इस गाड़ी के ड्राइवर जो बाल बाल बच गए हैं, रब का शुक्र है कि कोई मिसहैपिंग नहीं हुई है, बाल बाल बच गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक मोड़, देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से मुड़ती हैं इस मोड़ पर, बहुत ही खतरनाक मोड़ है। तो क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी कम थी, लेकिन ब्रेक कम होने के कारण गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अक्सर गाड़ी इन बैरलों के साथ टकरा कर गिर पड़ी। यहाँ पे पंडित बस भी आती है हमारी हिमाचल की शान, ये भी कहते हैं कि बड़ी गाड़ी हाड़े पर इन्हें ले हुआ मुझे लगा ला, बहुत ही खतरनाक मोड़ है जलेबी की तरह, बहुत बड़ी गाड़ी को बहुत ही दिक्कत आती है इधर मोड़ने में, एकदम से उतराई एकदम से मोड़। यहाँ पर अक्सर महीने के 3-4 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया है, तो ये मंदिर भी कई बार तो मंदिर भी 3-4 बार द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर पे भी गाड़ियाँ इधर अक्सर एक्सीडेंट हुए हैं, पहले ये सीमेंट का बना हुआ था लेकिन अब टीन डलवाई गई है इधर, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। कभी भी कोई भी आता है तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोकल भैयों को तो पता होता है हमारे जो उस्ताद होते हैं कि यहाँ पर उतराई है, लेकिन जो बाहर से आते हैं तो कई बार उनको थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है इधर। बहुत ही खतरनाक मोड़ है, इन मोड़ों में बहुत ही ज़्यादा आत्माओं का भी वास है मान सकते हैं आप, कि यहाँ पर बंदे को पता नहीं लगता है कि कब क्या हो गया, कब ब्रेक फेल हो गई तो कब एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इन मोड़ों में कम से कम हमारे सामने कम से कम 60-70 बंदों की मौत हुई एक्सीडेंट के द्वारा। कई बार बसेज ट्रक ट्रालियाँ टेम्पू बहुत ज़्यादा गिरे हैं, तो यहाँ पर पता नहीं लगता अक्सर कि क्या होता है, यहाँ पर रब ही बचा सकता है इस मोड़ों पर, बहुत ही खतरनाक मोड़ हैं ये। तो ये देखकर ही देखो कितना दिल दहला रहा है, जिस बंदे के साथ हुआ होगा वो बेचारा, उसका दिल क्या बोल रहा होगा, ऐसा किसी के साथ ना हो जो भी हमारे ड्राइवर भाई इधर आते हैं। और जो भी डलियारा साइड आता है यहाँ से अपना चिंतपूर्णी से बरवाई से नीचे को, तो अक्सर बहुत ही ज़्यादा उतराई है, बहुत ही ज़्यादा और तीखे मोड़ है, तो हमारे भाई साहब जो भी आते हैं तो बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि लोकल भाइयों को तो पता होता है, मैं पहले ही बोला है, जो बेचारे बाहर से आते हैं तो उनको कई बार दिक्कत आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी।